हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे जायटोल वर्सेस फ्लोराइड के बारे में, यानी कि फ्लोराइड टूथपेस्ट ज्यादा बेस्ट होते हैं या फिर जायटोल टूथपेस्ट ज्यादा अच्छे होते हैं अगर हमारे दांतों में कैविटी लग गई हो तो उन्हें रीमिनरलाइज करने के लिए कौन सा टूथपेस्ट बेस्ट है, जायटोल टूथपेस्ट या फिर फ्लोराइड टूथपेस्ट। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर रजनी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है बहुत ही ज्यादा डिमांडिंग है। आप में से बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने मुझसे पूछा था कि हमें ज़ायलेटॉल टूथपेस्ट यूज करना चाहिए या फ्लोराइड टूथपेस्ट अगर हमारे दांतों में कैविटी लगने की शुरुआत हो गई है, तो फिर अगर हमारे दांत जो है फिर से पहले जैसे रीमिनरलाइज होना शुरू कैसे हो जाए, तो हमें इनमें से कौन सा टूथपेस्ट यूज करना चाहिए, कौन सा बेस्ट है हमारे दांतों के लिए। तो फिर दोनों ही चीजें हमारे दांतों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़ायलेटॉल भी और फ्लोराइड भी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। सबसे पहले जानते हैं कि ज़ायलेटॉल क्या है और फ्लोराइड क्या करता है। तो ये दोनों ही जो है क्या फंक्शन है इनका, हमारे दांतों के ऊपर जो प्लाक है उसको जमने से रोकता है, यानी कि जो भी बैक्टीरिया और जो गंदगी है उसको जमने से ये रोकता है ज़ायलेटॉल, और बैक्टीरिया की ग्रोथ को जो है स्टॉप कर देता है ताकि वहां पर कैविटी ना लगे। जबकि फ्लोराइड जो है वो अगर हमारे दांतों में कैविटी लग गई है, कीड़ा लगने की शुरुआत हो गई है, तो ये फिर से उसे रीमिनरलाइज्ड करके पहले जैसा कर देता है, यानी कि जो भी हमारे टूथ डीके हो गया है उसे रीमिनरलाइजेशन करना स्टार्ट कर देता है, हमारे दांत पहले जैसे होने शुरू हो जाते हैं, यानी कि ये हमारा एंटी कैविटी टूथपेस्ट है। यानी कि जो फ्लोराइड है वो हमारी कैविटी को जो है स्टॉप कर देता है और फिर से रीमिनरलाइज करके टूथ को पहले जैसा कर देता है। अब सवाल ये है कि क्या हम ज़ायलेटॉल यूज कर सकते हैं फ्लोराइड टूथपेस्ट की जगह, क्या हम उसे रिप्लेस कर सकते हैं? तो फिर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो भी हमारे दांतों के लिए इसेंशियल है वो है फ्लोराइड। तो हम जो भी डेली रेगुलर यूज में जो टूथपेस्ट यूज करते हैं उसमें फ्लोराइड होता है, और वही जो है हमारे दांतों को कैविटी होने से बचाता है। और अगर कैविटी लगने की शुरुआत हो गई है, कैविटी लग गई है, तो फिर उसके बाद वो दांतों को फिर से रीमिनरलाइज करना शुरू कर देता है, यानी कि एंटी कैविटी टूथपेस्ट है, यानी कि ये कैविटी को आगे नहीं बढ़ने देता और दांतों को फिर से पहले जैसा कर देता है। जबकि ज़ायलेटॉल जो है वो सिर्फ हमारे दांतों के ऊपर जो भी गंदगी और प्लाक है उसे जमने से रोकता है और जो बैक्टीरिया है उसकी ग्रोथ को स्टॉप कर देता है, यानी कि जो गंदगी है उसे वो जमेगी ही नहीं, तो फिर उसके बाद प्लाक नहीं जमेगा और उसकी वजह से जो है आगे कैविटी होने की शुरुआत नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, मार्केट में जो है ज़ायलेटॉल टूथपेस्ट भी अवेलेबल है और फ्लोराइड टूथपेस्ट भी अवेलेबल है, लेकिन जो फ्लोराइड टूथपेस्ट है वही हमें डेली में यूज करना चाहिए, ज़ायलेटॉल टूथपेस्ट नहीं, क्योंकि जो है ज्यादातर हम जो है ज़ायलेटॉल के माउथ वॉश यूज कर सकते हैं, माउथ फ्रेशनर्स यूज कर सकते हैं, और ज़ायलेटॉल के जो चिंगम्स आते हैं वो आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो ज़ायलेटॉल है वो इनके अंदर यूज किया जाता है, ये एक नेचुरल स्वीटनर की तरह यूज किया जाता है, और हम खाने में भी जो है शुगर की जगह ज़ायलेटॉल यूज करते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा रिप्लेसमेंट है शुगर का, ज़ायलेटॉल। तो ऐसा है कि जब भी हम खाना खाएं उसके बाद एक चिंगम जो है ज़ायलेटॉल जिसके अंदर है वो आप चबा लीजिए, तो जो भी आपके दांतों के ऊपर गंदगी जमी है, खाना फंस गया है, वो सारा निकल जाता है, यानी कि ये प्लाक नहीं जमने देता है हमारे दांतों के ऊपर, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। और माउथ वॉश के अंदर भी ज़ायलेटॉल है, तो जब हम माउथ वॉश लेकर के अपने मुंह में घुमाते हैं तो ये हमें एक अच्छा फ्लेवर भी देता है, साथ ही साथ जो भी हमारे दांतों के ऊपर गंदगी और प्लाक जमा है उसे ये साफ कर देता है। और नेचुरल माउथ फ्रेशनर तो है ही, अगर हम बाहर हैं, हमने कुछ भी खाया है, स्मेल वाली चीज, लहसुन प्याज ये सारी चीज, तो उससे क्या है कि हमारे मुंह में से स्मेल आने लग जाती है, तो ऐसा ना हो इसके लिए हम कहीं पर भी जो भी ज़ायलेटॉल माउथ फ्रेशनर्स हैं वो आप यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं फ्लोराइड टूथपेस्ट की। जो फ्लोराइड टूथपेस्ट है वो हमारे दांतों के लिए रेगुलर यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इससे जो है हमारे दांतों को कैविटी होने से ये बचाता है, और जो है हमारे दांत अगर थोड़ी सी भी कुछ प्रॉब्लम हुई है, डीके होना स्टार्ट हुआ है, तो
तो ये फिर से उसको रीमिनरलाइजेशन करना स्टार्ट कर देता है और दांतों को मजबूत बनाता है, और साथ ही साथ जो भी हमारे मुंह के अंदर एसिडिक जो फूड्स होते हैं उसके लिए इसे रेजिस्टेंट बनाता है, ताकि हमारे जो दांत की सबसे ऊपर की लेयर इनेमल है वो घिसे नहीं और रेजिस्टेंट हो जाए उस चीज के लिए, और बहुत ज्यादा स्ट्रांग बना देता है दांतों को। आपने देखा होगा बच्चों के अंदर ज्यादातर मुंह में कैविटीज लग जाती है दांतों के अंदर, तो वो इसलिए होता है क्योंकि वो मीठा बहुत ज्यादा खाते हैं। उनको समझ नहीं होती है कि हम ज्यादा मीठा खाएंगे तो हमारे दांतों में कीड़े लग जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, पर उनको बिल्कुल समझ नहीं होती है। तो इसीलिए वो जो बच्चों के टूथपेस्ट आते हैं उसके अंदर जो है फ्लोराइड का लेवल जो है वो मेंटेन होना चाहिए, ताकि ये कैविटी होने से बचाए और उनके दांतों को फिर से रीमिनरलाइज करना शुरू कर दे, और इससे फिर उनके दांत जो है बहुत ही मजबूत हो जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके दांतों के ऊपर व्हाइट कलर के पैच पड़े होते हैं, दांत इतने वीक हैं कि कैविटी बहुत जल्दी लग जाती है और धीरे धीरे हमारे दांत जो है वो घिसना शुरू हो जाते हैं। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि जब हम छोटे होते हैं, जिस टाइम हमारे दांत ग्रोथ कर रहे होते हैं उस टाइम पर हम जो पानी पी रहे होते हैं इतना हार्ड होता है, उसमें फ्लोराइड का लेवल इतना ज्यादा होता है जिससे हमारे दांतों में जो है फ्लोरोसिस हो जाता है, और ये जो दाग होते हैं ये पीले व्हाइट कलर के पैच जो हैं वो जाते नहीं हैं। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं कि हमारे दांतों को व्हाइट कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये जो है फ्लोरोसिस की कंडीशन है, फ्लोरोसिस हो जाता है आपके दांतों में, तो ये आपके बचपन से ही प्रोसेस शुरू हो जाती है, और ये समझ हमें बड़े होने के बाद आती है। तो आपके भी घर में बहुत सारे छोटे बच्चे होंगे जिनके दांतों की ग्रोथ अभी हो रही है, तो आप जो घर में पानी यूज करते हैं डायरेक्ट जो समर या बोर का पानी आता है वो बिल्कुल भी यूज ना करें। आप या तो आरओ का पानी यूज करें, या फिर आपके घर में अगर आरओ नहीं है तो जो भी आपके आसपास सप्लाई का पानी आता है गवर्नमेंट का वो आप यूज करें, क्योंकि उसके अंदर गवर्नमेंट जो है उस एरिया के अकॉर्डिंग फ्लोराइड को मेंटेन करके आगे सप्लाई करती है पानी में। तो फिर ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे दांतों के लिए, तो वो पानी आप यूज कर सकते हैं। तो फिर आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो ज़ाइलोटॉल टूथपेस्ट है या फिर ज़ाइलोटॉल के माउथ फ्रेशनर्स हैं, ज़ाइलोटॉल के माउथ वॉशेस हैं, ज़ाइलोटॉल जो माउथ स्वीटनर्स आते हैं जो स्वीटनर्स की तरह यूज होते हैं, ये जो है हमारे दांतों के ऊपर बैक्टीरियाज को जमने से रोकता है, प्लाक को जमने से रोकता है और बैक्टीरियाज की ग्रोथ को जो है स्टॉप कर देता है। लेकिन जो फ्लोराइड है वो हमारे दांतों के ऊपर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि वो कैविटी नहीं होने देता है हमारे दांतों में। जब भी अगर जो भी एसिड जो भी प्रोड्यूस होता है, जो भी हम खाना खाते हैं बहुत ही ज्यादा एसिडिक मीडियम क्रिएट कर देता है, तो ये जो फ्लोराइड है वो हमारे दांतों को जो है रेजिस्टेंट बनाता है उस एसिडिक मीडियम के लिए, जिसकी वजह से हमारे दांत की जो सबसे ऊपर की लेयर इनेमल है वो घिसती नहीं है और उस दांत को जो है वो मजबूत बना देता है, इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर देता है। तो जो फ्लोराइड टूथपेस्ट है वो हमारे दांतों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो आप टूथपेस्ट यूज करते हैं उसके अंदर फ्लोराइड होना चाहिए, फ्लोराइड कंटेनिंग टूथपेस्ट आप यूज करें, और जो ज़ाइलोटॉल कंटेनिंग आप माउथ वॉश यूज कर सकते हैं, माउथ फ्रेशनर्स आते हैं वो आप यूज कर सकते हैं, चिंगम्स आते हैं ज़ाइलोटॉल वाले वो आप यूज करिए, वो तो बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। जब भी आप खाना खाएं तभी एक चिंगम उसमें से चबाएं जिसके अंदर ज़ाइलोटॉल होता है, और इससे जो है आपके दांतों पर कभी गंदगी नहीं जमेगी, दांतों के बीच के अंदर बीच में जो खाना फंस गया है वो भी निकल जाएगा और आपके दांत जो है टाइम टू टाइम साफ होते रहेंगे। अगर आपके मुंह में ऐसी प्रॉब्लम है कि आपका मुंह जो है वो ड्राई हो जाता है, तो भी आप ज़ाइलोटॉल कंटेनिंग जो च्युइंगम्स हैं वो आप खाइए। इससे क्या है आपके मुंह में सलाइवा ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, सलाइवा की वजह से आपके दांत जो हैं वो अच्छी तरह से क्लीन होते रहेंगे। तो आज का जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हैं, कोई भी सवाल हैं आपके, तो वो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगी जल्द से जल्द उनके आंसर देने की। तो फिर अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए। तो फिर ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ मिलते रहेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।